निकालना है कोरस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बनेगा यार, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, लाइमन कब बनता है ये देख लो, ये एन इज इक्वल टू ए वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, तो लाइमन कब बनता है, जब ग्राउंड जब हायर ऑर्बिट से ग्राउंड में जंपिंग होती है, यहाँ से अब मतलब हायर ऑर्बिट से जब ग्राउंड में जंपिंग होती है यहाँ से, तो लाइ जो फोटॉन्स निकलेगा वो लाइमन सीरीज वेवलेंथ है। अब यहाँ से बामर कब बनती है, जब एन इज इक्वल टू टू में जंपिंग होती है, आई होप ये सबको पता होगा, ठीक है, आई होप ये सब लोग जानते होंगे कि यहाँ से हायर एनर्जी लेवल से जब टू में जंपिंग होगी तो बामर बनेगा और ये लाइमन बनेगा, ये क्लियर है। अब देखो लाइमन में मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जो लैम्डा निकला वो मैक्सिमम में चाहिए है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है, जैसे एनर्जी डिफरेंस दैट इज एस सी अपन लैम्डा यार, तो एनर्जी डिफरेंस ये वाली जब मिनिमम होगी तभी तो लैम्डा ये वाला चीज मैक्सिमम होगा, बात समझ में आ गई। तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो एनर्जी निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगा, वेवलेंथ होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। अब आपको ये बात पता करना पड़ेगा कि एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होती है यार, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तब होगा, देखो जब जब यहाँ से अगर मैं इधर से ऊपर जाता हूँ तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है यार, ठीक है, और ये जो कंजिग्यूटी डिफरेंस होता है, दो दो सेल के बीच जो कंजिग्यूटी डिफरेंस आता है, ये वाली चीज़ जो बना रहा हूँ, ठीक है, कंजिग्यूटी डिफरेंस वो डिक्रीज होता चला जाता है, थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, तो ये कंजिग्यूटी डिफरेंस डिक्रीज होता चला जाता है, बट अगर किसी एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट का डिफरेंस लेते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, ये सारी थ्योरेटिकल मैं डिस्कशन करता हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है, शायद आपके टीचर उतने अच्छा डिस्कस नहीं किए होंगे इसको, तो ये यहाँ से ये जो डिफरेंस है दैट इज मिनिमम होता है, तो हमें मिनिमम लाइमन में मिनिमम होता है N1 से N2, फिर यहाँ से जो डिफरेंस है, ये वाली जो डिफरेंस है डिक्रीज होती डेल्टा ई, दो कंजुगेटी में वो डिक्रीज होता चला जाता है एनर्जी लेवल, तो डिक्रीज होते चला जाता है, हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा, मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, तो लाइमन में मिनिमम होगा, हाँ देखो लाइमन में जो मिनिमम होगा वो होता है इस वाले और इस वाले में डिफरेंस, एन वन इज इक्वल टू वन से एन टू इज इक्वल टू टू से जंपिंग हुई तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, अगर थ्री से वन में जंपिंग हुई तो मिनिमम नहीं होता, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, और फोर से वन में जंपिंग हुई थोड़ा और ज़्यादा होगा, और इन्फिनिटी से वन में जंपिंग हुई तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, चलो तो वन अपन लैम्डा, लैम्डा वन लाइमन में मैं रिगबर कॉन्स्टेंट, और हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपन वन का स्क्वायर माइनस वन अपन टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन अपन लैम्डा वन, प्यारे बच्चों तो आर जेड, आई होप कि ये सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फाइव और दैट इज फोर अपन फाइव, ठीक है, तो ये हाँ ये फोर हो गया ना, ये थ्री अपन फोर, तो थ्री अपन फोर बेसिकली हमें मिल जाएगा ये वाली चीज़, हाँ थ्री बाई फोर, तो इसको यहीं रहने देते हैं, लैम्डा वन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज फोर अपन थ्री आर जेड स्क्वायर, ये जो लैम्डा वन की जो वैल्यू है इतनी हमें आ गई। चलो अब इसी तरह से लैम्डा टू कैलकुलेट करो, तो लैम्डा टू कैलकुलेट करोगे तो अगेन आ जाओ बामर सीरीज में आ जाओ, तो बामर सीरीज में जो है एनर्जी मिनिमम होगी, डेल्टा ई मिनिमम होगा, कब होगा भाई मिनिमम बोलो, कहाँ से जंपिंग होगी, जब जंपिंग होगी प्यारे बच्चों एन वन इज इक्वल टू टू तो फिक्स है, और एन टू इज इक्वल टू थ्री से जंपिंग होगी, तो वन अपन लैम्डा टू इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और वन अपन टू का स्क्वायर माइनस वन अपन थ्री का स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है, तो फाइनली इसको जो आ जाएगा आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर वन अपन नाइन, और ये आ जाएगा फाइव आर जेड स्क्वायर अपन थर्टी सिक्स, दैट इज लैम्डा टू अपन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इज इक्वल टू फाइव आर जेड स्क्वायर, दिस इज द लैम्डा टू। अब आपको रेशियो किसका किसका पूछा है, लाइमन का
देखो यहाँ रेशियो किसका पूछा, लाइमन टू बामर पूछा, तो लाइमन ये रहा लैम्डा वन, लाइमन में डिवाइड कर तो लैम्डा वन अपन लैम्डा टू, तो लैम्डा वन कितना भाई 4 और 3 RZ² और यह आ जाएगा 5 RZ² डिवाइडेड बाई 36 RZ, ने RZ को ख़त्म कर दिया और 9 टाइम्स ख़त्म हो जाएगा, तो 5/27 इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि 5/27 दैट इज डी ऑप्शन सही है।